नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और फिर से एक बार स्वागत है आपका साइंस ऑफ हेल्थ में। और काफ़ी दिनों के बाद मेरी मुलाकात हो रही है आप सभी से। मैं काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहीं, कोविड भी हुआ मुझे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहीं, घर भी शिफ्ट हुआ मेरा, इस वजह से मैं थोड़ा कुछ दिनों के लिए यूट्यूब से दूर हो गया था। लेकिन एक बार फिर से मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूँ और हम फिर से वो बातें करेंगे जो आप लोगों को पता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, कि हमें क्या क्या मॉडर्न तरीके से जो हमारी साइंस है, आज की जो मॉडर्न साइंस है, वो क्या कहती है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। और अब मैं ये प्रयास करूँगा कि मैं आपसे लगातार यूट्यूब वीडियो के माध्यम से जुड़ता रहूँ और आपको नई नई बातें शेयर करता रहूँ। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो मैंने एल्कोहल के लेके बनाया था। और एल्कोहल के बाद कई सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए, कमेंट्स आए, जिसमें से उन लोगों ने पूछा कि हैंगओवर के बारे में भी प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज एक हैंगओवर के बारे में एक वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैंगओवर होता क्या है। हैंगओवर एक एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का एक आफ्टर मैथ है, मतलब उसका साइड इफेक्ट है। और ये इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं हैंगओवर को, आप कह सकते हैं कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, हेडेक है, सर भारी है, या फिर आपको डिजीनेस फील हो रही है, चक्कर जैसे आ रहे हैं, आपको वोमिशन टाइप का लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी, भूख नहीं लगती है, ये सब सिम्टम होते हैं हैंगओवर के। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एल्कोहल लेने के बाद जो हैंगओवर होता है, जिससे अगला दिन पूरा बेकार हो जाता है, उससे कैसे बच सकते हैं, हैंगओवर से कैसे बचा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा, उसके पीछे की साइंस समझाना चाहूँगा कि एल्कोहल जब बनता है तो एल्कोहल इंडस्ट्री में एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जिनर्स। कॉन्जिनर्स क्या होते हैं, सबको पता है कि एल्कोहल फर्मेंटेशन के द्वारा फिर डिस्टिलेशन के द्वारा बनाया जाता है। तो जब फर्मेंटेशन होता है तो एल्कोहल के साथ में जो एल्कोहल मेनली क्या होता है, इथेनॉल एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल होता है, और उसके साथ में और सारे केमिकल्स बन जाते हैं जिनको कॉन्जिनर्स बोलते हैं। अनवांटेड होते हैं, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्योर एल्कोहल जो होता है वो C2H5OH मतलब इथेनॉल होता है। और इसके साथ में कुछ और चीज़ें बन गई जिनको हम कॉन्जिनर्स बोलते हैं, वही हैंगओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जैसे मिथेनॉल एल्कोहल हो गया, मिथाइल एल्कोहल हम कह सकते हैं, मिथेनॉल भी बोलते हैं, तो वो हो गया, एसीटोन्स हो गए, इस तरीके से और सारे कई चीज़ें हैं जो इसके साथ बन जाती हैं, प्रोपाइल एल्कोहल हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये कॉन्जिनर्स हो गई, और यही हम लोगों को हैंगओवर करती हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या ये कॉन्जिनर्स सभी एल्कोहल में बराबर होती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जो डार्क कलर की एल्कोहल हैं, जैसे कि विस्की या रम हो गई, तो उसमें कॉन्जिनर्स ज़्यादा मिलते हैं। उसकी कंपेरिजन में जो वोदका है या फिर जिन है, उसमें कॉन्जिनर्स कम मिलते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात हो गई कि जिसमें कॉन्जिनर्स ज़्यादा हैं उनमें हैंगओवर ज़्यादा होगा, मतलब विस्की और रम में हैंगओवर हमेशा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वोदका या फिर जिन। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोगों को हैंगओवर क्यों होता है, एल्कोहल में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से हैंगओवर होता है, और किस एल्कोहल में कॉन्जिनर्स ज़्यादा होते हैं जिससे कि हैंगओवर ज़्यादा होता है। इस वजह से आप सिलेक्शन, मतलब कि जो एल्कोहल सिलेक्शन का मेथड, उसके द्वारा भी आप कॉन्जिनर्स को कम कर सकते हैं, हैंगओवर को कम कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब एल्कोहल लिया जाता है तो उसकी क्वांटिटी पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है, कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं एल्कोहल की, तो मतलब कि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है उसकी कॉन्जिनर्स हैं वो ज़्यादा जाएंगे, और अगर आप कम मात्रा में एल्कोहल ले रहे हैं तो कम जाएंगे। तो अगर आप कम एल्कोहल ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें आपको हैंगओवर कम होगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं एक ऐसे मेथड के बारे में जो बड़ा ही पॉपुलर है, बड़ा ही कॉमन है, और मुझे तो कभी यकीन भी नहीं होता था कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इसके पीछे की जो साइंस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो मेथड ये है कि अगर आप रात को अल्कोहल लेते हैं तो सुबह भी एक पैक या एक छोटी सी मात्रा अल्कोहल की ले लीजिए, जिससे कि आपको हैंगओवर नहीं होगा। इसमें कितनी सच्चाई है, जब मैंने पढ़ा, मैंने जाना, तो इसमें सच्चाई तो है, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली होता ये है कि जब आप रात को अल्कोहल लेते हैं तो उसमें कॉन्जिनर्स, जो मेन कॉन्जिनर होता है वो है मिथेनॉल। इथेनॉल तो एल्कोहल होगी जो जिसकी वजह से जो जो मेन होता है, लेकिन जो है मिथेनॉल जो होता है वो मेन कॉन्जिनर्स होता है, और वो क्या है, वो मेटाबॉलिज्म जब उसका होता है लीवर में जाके, तो वो कन्वर्ट होती है किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड में,
और ये फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ही टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। और जो ये हैंगओवर के साइन आते हैं वो सिर्फ इस ज़्यादातर इस मिथेनॉल की ये फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से आते हैं। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बने ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, सुबह अल्कोहल ले लेते हैं। बड़ा अजीब सा ये साइंस है इसकी कि जब आप अल्कोहल सुबह, जब आप इथेनॉल ले लेते हैं, तो ये जो मिथेनॉल होता है उसकी मेटाबॉलिज्म रुक जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है, ऐसा माना जाता है, जिससे कि ये जो मिथेनॉल है वो फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं कन्वर्ट हो पाती है और वो यूरिन के माध्यम से या हमारी सांस के माध्यम से वो किसी भी तरीके से बाहर हो जाते हैं जो मिथेनॉल है, और फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हैंगओवर कम होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन ये मेथड अगर आप यूज करते हैं हैंगओवर से बचने के लिए, तो मेरी नज़र में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप इससे एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। मतलब रात को भी अल्कोहल ले रहे हैं और सुबह भी आपको लेना पड़े, तो सोशल भी अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, ये आपको, ये मान लीजिए कि आप एडिक्शन होने के चांसेस का ही गुना बढ़ जाते हैं इससे। फिर इसके बाद हम एक और तरीके की बात करते हैं कि अगर आप हैंगओवर से बचना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए, क्योंकि जो एल्कोहल का इफेक्ट होता है वो डायरोटिक होता है, मतलब आपकी बॉडी से पानी बाहर निकलता है यूरिन के माध्यम से। तो वैसे भी जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपको, तो सारे हेडेक और शरीर में जो सर में भारीपन होगा या फिर वॉमिशन वगैरह लगेगा, ये सब जो है डिहाइड्रेशन के भी साइन है। तो जब डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो उससे बचने, तो जब जब डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा कि आपको हैंगओवर के साइन ज़्यादा महसूस होंगे। तो अगर आप पानी खूब मात्रा में पियेंगे, ज़्यादा मात्रा में पियेंगे, तो हैंगओवर अपने आप ही कम होगा। फिर इसके बाद हैंगओवर से बचना है तो सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम है, हाइपोग्लाइसीमिया है, आपको लो फील कर रहे हैं, उस समय अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो उस समय फिर जो है आपको जो हैंगओवर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके से होगा। तो तभी ये है कि कुछ खाने के बाद ही, अगर आप हल्का कुछ ब्रेकफास्ट या कुछ भी हल्का स्नैक्स लेने के बाद अगर आप एल्कोहल लेते हैं या साथ में लेते हैं, तो आपको हैंगओवर काफ़ी कम होगा। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो हैंगओवर के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर इसके बाद जो है बात करें, तो अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, रात को ढंग से सोते नहीं, तो भी हैंगओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था सब हैंगओवर के बारे में, कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो एक मैं समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अल्कोहल ना ही लें तो बहुत अच्छा है, अगर लेना ही पड़ता है तो बहुत ही कम मात्रा में लें। कम मात्रा में लेंगे तो इसमें जो कॉन्जिनर्स हैं, जो उसके जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो कम मात्रा में आपकी बॉडी में जाएंगे, आपकी बॉडी को कम से कम नुकसान पहुँचाएंगे। फिर इसके बाद अगर लेते हैं तो फिर एक अच्छी क्वालिटी के अल्कोहल लें। दूसरी बात यह है कि अगर आपको अल्कोहल लेना पड़ता है तो आपको साथ में एक खाली पेट ना लें, मतलब कि आपकी बॉडी में जब हाइपोग्लाइसीमिया हो, आपको ग्लूकोज की कमी हो, उस समय बिल्कुल ना लें। आप कुछ खा के लें, कुछ ब्रेकफास्ट करें, कुछ जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट हो, जिससे कि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो आपको कम होगा। इसके बाद मैंने बताया कि कलर्ड जो अल्कोहल्स हैं, जैसे कि विस्की और रम, इसमें कॉन्जिनर्स ज़्यादा मिलते हैं, तो आप इनको अवॉइड करके आप वोदका वगैरह या जिन वगैरह या जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर आप कलर ड्रिंक्स लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम मात्रा में लें, तो आपको हैंगओवर नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो कम से कम एक 48 आवर्स का गैप रखें, क्योंकि पूरी तरीके से एल्कोहल बाहर होने में 48 आवर्स तो लग ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।